नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश इस पर आपका स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं 12 तरीके से बोलो आई एम बिजी, क्योंकि दोस्तों हम लोग आई एम बिजी खूब बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई एम बिजी की जगह पे आप अलग अलग सेंटेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज़्यादा नहीं लेते हुए चलते हैं बोर्ड में, पूरे 12 तरीके से सीखेंगे दोस्तों आई एम बिजी बोलने के। तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज़्यादा नहीं लेते हुए चलते हैं बोर्ड में और सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ऑक्यूपाइड, आई एम वेरी ऑक्यूपाइड विथ माई न्यू स्टार्टअप, एंड मैं इस समय नए स्टार्टअप में व्यस्त हूँ। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं आई एम वेरी ऑक्यूपाइड विथ माई न्यू स्टार्टअप एट दिस मोमेंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप आई एम बिजी की जगह पे इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूरीड विथ वर्क, आई एम कम्प्लीटली ब्यूरीड विथ वर्क, I am completely buried with work. Please call me next week. मैं काम से पूरी तरह से थक गया हूँ, कृपया मुझे अगले सप्ताह फोन करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। Up to one's neck. I am up to my neck. मैं अपनी गर्दन तक हूँ। लेकिन दोस्तों जब भी बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो बोल सकते हैं I am up to my neck. I am busy की जगह पे कुछ इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्वैम्पेड, आई एम एब्सोल्युटली स्वैम्पेड, मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। स्ट्रेस्ड, मैं बुरी तरह से तनावग्रस्त हूँ। आई एम हॉरिबली स्ट्रेस्ड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ऑल बुक्ड अप दिस फोर्टनाइट, मैं इस पखवाड़े के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम ऑल बुकड अप दिस फोर्टनाइट। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है, आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ओवर एक्सटेंडेड, आई एम ओवर एक्सटेंडेड टू माई एब्सोल्युटली लिमिट, बोल सकते हैं आई एम बिजी की जगह पे आप ऐसे नए नए सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम ओवर एक्सटेंडेड टू माई एब्सोल्युटली लिमिट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एजेंडा और डायरी इज फुल, दोनों में से एक बोल सकते हैं। सॉरी माई एजेंडा या डायरी इज फुल राइट नाउ, क्षमा करें अभी मेरी एजेंडा या डायरी पूरी तरह से भर गए हैं। तो दोस्तों जब भी आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो चाहे वो कंप्यूटर में काम करते हैं चाहे डायरी में काम करते हैं, तो बहुत सारे भर जाते हैं फाइल सब। तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिए या डायरी इज फुल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अदर प्रायोरिटीज, सॉरी, क्षमा करें मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। आई हैव अदर प्रायोरिटीज, सॉरी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। स्लैम्ड, आई एम एब्सोल्युटली स्लैम्ड विथ वर्क, आई एम एब्सोल्युटली स्लैम्ड विथ वर्क, मैं काम से बिल्कुल परेशान हूँ। तो आप इस तरह के नए नए सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। Tied up. I'm very much tied up this month. Let's meet next month. इस महीने में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, अगले महीने मुलाकात है। Up to one's ear. I am up to my ears this entire week. मैं इस पूरे सप्ताह अपने प्रति सचेत हूँ। I am up to my ears this entire week. तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए जिसमें हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।